नमस्कार दोस्तों, एन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। सवाल है, मिक्सर से सैंड रिटर्न पेडल में लगाना है उनको DD3। तो सेम सवाल है कि इफेक्ट प्रोसेसर आप कैसे मिक्सर पे लगा सकते हो, उसी के ऊपर ये सवाल है। तो चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं। नगमाते हबीब ई किबरिया साला। तो चलिए देखते हैं। तो मिक्सर में आपको जैसे पता है कि इंसर्ट पॉइंट्स भी होते हैं और सैंड रिटर्न की पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि ये डायमंड क्लॉप की एक मिक्सर है, बहुत सारे मिक्सर पे होते हैं, ऐसे एक ही मिक्सर नहीं, बहुत सारे मिक्सर पे आपको या तो इंसर्ट देता है ऑक्स एंड ऑक्स रिटर्न भी देता है कभी कभी। तो उन दोनों में आप कैसे लगा सकते हो DD3, वो चीज़ हम बात करेंगे। ये डायमंड का मिक्सर है या कोई भी मिक्सर है, वहाँ पर आपको आगे पे इंसर्ट एक ही पिन मिलेगा कहीं कहीं पर, और कहीं पर सैंड रिटर्न की दो पिन मिलता है, जो कि TRS यानी 6.3 का। देखिए यहाँ पर ऑक्स एंड ऑक्स रिटर्न 1-2 दोनों दे दिया है। तो जब ऐसे देते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कैसे उसमें ऑक्स में आपको सेंड रिटर्न दोनों मिल सकता है, ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, और कहीं कहीं पे बस आपको एक ही पिन मिलता है जहाँ पे इंसर्ट लिखा रहता है, बस इंसर्ट एक ही चैनल पे इंसर्ट लिखा रहता है। तो यही है इंसर्ट की केबल। देखिए यह इंसर्ट पॉइंट एक ही 6.3 mm की आप ले सकते हैं, वहाँ से दो केबल आते हैं ऐसे केबल, जो कि एक सेंड में जाके लगेगा आपका, दूसरा रिटर्न पे आपको लगाना है। ऐसे ही एक से दो केबल, यानी एक स्टेरियो से दो मोनो ऐसे केबल भी आता है। तो एक केबल का आपको सेंड पे लगाना है, जो कि आपका डिवाइस रहेगा। और ये और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंड रिटर्न दोनों दो केबल आपको लेना है, दो केबल यहाँ पे लेना है, वहाँ पे एक केबल था इंसर्ट के लिए, यहाँ पे दो केबल लेना है सेंड से केबल, और दूसरा जो रिटर्न से दो केबल लेना है, और जो इफेक्ट प्रोसेसर है उसका इनपुट और दूसरा आउटपुट पे लगा देना है। सेंड को लगाना है इनपुट पे और आउटपुट को लगाना है, रिटर्न को लगाना है आउटपुट पे, बस दो केबल लगाना है 6.3 mm का। तो ऐसे ही आपकी पूरी जो सेटअप है बन जाएगी। जब आप DD3 लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक केबल लेना है सेंड से, उसके बीच में जैसे हमने इनपुट दिया है, जैसे DD3 का इनपुट है, दूसरा आउटपुट से और एक केबल लेके लगा देना है रिटर्न है। सिंपल सी बात, सीरीज में लगाना है। सेंड से केबल लिया, DD3 की इनपुट में डाला, और DD3 के आउटपुट से और एक केबल लाया और उसको रिटर्न में डाल दिया, और पूरी आपकी सेंड रिटर्न में टोटल जितनी भी मिक्सर की चैनल रहेगी, सब में जो इफेक्ट की जो नॉब रहेगी, सब में जब आप इफेक्ट डालोगे तो इफेक्ट की वॉल्यूम, जब भी आप उसका नॉब खोलोगे तो उसी चैनल पे आपको इफेक्ट मिलेगी। जैसे कि तबले में आपको उसको जीरो रखना है इफेक्ट को, नॉब को, वही एक चीज़ ध्यान देना है, जिसमें आप वोकल की माइक्रोफोन इफेक्ट चाहिए उसी में बस इफेक्ट डालिए, बाकी सबकी इफेक्ट वॉल्यूम सारे चैनल की ऑफ कर दीजिए मिक्सर की, वो एक ध्यान पे रखने वाली चीज़ है। वरना अगर तबला वाला इफेक्ट नॉब खुल गया, तबला वाला चैनल जो होता है, क्योंकि उसमें 12-15 चैनल 16 चैनल होता है, तो आपको 3-4 चैनल में आपको माइक लगा है, बाकी चैनल पर आपको इफेक्ट नहीं चाहिए, तो उस टाइम पर आपको डाउन कर सकते हो उसमें। लेकिन इंसर्ट में एक फ़ायदा है कि बस आप एक ही चैनल पर इंसर्ट कर सकते हो वो इफेक्ट, बाकी चैनल वैसे ही नॉर्मल रहेगी, तो वो चीज़ ध्यान पे रखना है। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, ऐसे वीडियो बहुत सारे हैं वो लाइव के दिखाने वाले, जहाँ पे DD3 मेरा लगा है, तो वो वाला आप सर्च कर लीजिए कि कौन से में आपको DD3 लगा है, वो वाला DD3 कैसे लगा है, उसका एक वीडियो भी है, 2-3 वीडियो है मेरे चैनल पर, वो डायरेक्ट आप लाइव पर भी देख सकते हो। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो उस लिंक पर जाके दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।